हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। सो वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग्स। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वाली बात है, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो मैं आपको बताऊँगा कि टिकटॉक से कैसे पैसे कमाते हैं। आपने हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जाती हैं और वायरल हो जाती हैं, और जैसे आपने बहुत सारे गर्ल्स की वीडियोज़ देखी है जिनके मिलियंस व्यूज़ चले जाते हैं। तो लोग सोचते हैं यार टिकटॉक कोई वेस्ट ऑफ टाइम है, इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पैसे कैसे कमाते हैं लोग, और लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ी, आईफोन एक्स, आईफोन 7, आईफोन 5, मतलब ये सारी ब्रांड्स कहाँ से आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा जिनके पहले वाली टिकटॉक वीडियोस हैं उनकी क्वालिटी बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन जब जैसे जैसे वो फेमस होने लगते हैं ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि उनको पैसे मिलने लगते हैं। और पैसे मिलने से क्या होगा, वो अमीर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कैमरा यूज़ करने लगते हैं, DSLR यूज़ करने लगते हैं, अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाने लगते हैं, उनके पास हाई क्वालिटी माइक्रोफोन भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है टिकटॉक के कई यूज़र्स ने अपना फेस रिवील किया था, जो नेहा कक्कड़ का गाना था, टोनी कक्कड़ का कुछ कुछ होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या टिकटॉक से पैसे कमाए जा सकते हैं और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है टिकटॉक से पैसे कमाना। तो हाँ, कमाए जा सकते हैं। और वो कैसे कमाते हैं मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके अगर 10,000 से 20,000 फॉलोअर्स हैं, 1,000 फॉलोअर्स होने पर आप लाइव हो सकते हो अपने टिकटॉक पे, ठीक है। लाइव होने के बाद क्या होगा, आपको जो यूज़र्स होंगे, जैसे यूट्यूब में आपने देखा होता है कि सुपर चैट जो होती है वो सुपर चैट हाईलाइटेड में आता है कि इन्होंने सुपर चैट इतनी भेजी है, 20 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की सुपर चैट भेजी है, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा है, वो आराम से जो यूट्यूबर है वो पढ़ लेता है और वो थैंक यू करता है उस यूज़र का, और प्राइड मूवमेंट होता है जब हम कोई सुपर चैट भेजते हैं। सो सेम सिमिलर टिकटॉक में भी होता है। टिकटॉक में अगर आप किसी को स्टिकर्स भेजते हो तो वो स्टिकर्स पढ़ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि इस यूज़र से अमंग 20,000 यूजर्स में से 20,000 यूजर्स में से इतने एक दो यूजर्स ने ये किया है, मतलब स्टिकर सेंड किए हैं, जिससे क्या होता है एक हाईलाइट मिल जाती है आपकी प्रोफाइल को, और वो आपका नाम शाउट आउट करते हैं, जिससे आपको प्राइड मूवमेंट होता है और आप बहुत प्राइड फील करते हो। तो गाइस, ये जो स्टिकर्स होते हैं आपको बाय करने होते हैं, ये सारे कॉइन्स होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कॉइन्स कैसे होते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कॉइन्स कैसे होते हैं। टिकटॉक के कॉइन्स इस तरह के होते हैं, जैसे हमें बाय करने होते हैं, 80 रुपीज़ के इतने कॉइन्स मिलते हैं, 160 के इतने, तो फर्दर लोग इसे कर लेते हैं बाय। और बाय करने से क्या होता है, फिर आप उससे आप स्टिकर खरीद सकते हो, और स्टिकर खरीदने के बाद क्या होगा, आप उस स्टिकर को फेवरेट जो भी म्यूजिकली बनाता है, जो टिकटॉक बनाता है, उन्हें भेज सकते हो, और जो कॉइन्स है वो उन्हें मिल जाएंगे, और वहां से वो रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में डाल लेंगे। सेम अगर आप फेमस होना चाहते हो, आप फेमस हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाओ और अपने फैंस बढ़ाओ, ठीक है, जितनी ऑडियंस रिटेंशन है ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाओ टिकटॉक पे। और अगर आप फेमस हो जाते हो बाय चांस, या अपनी मेहनत से आप पैसे कमा सकते हो, वो भी डेफिनेटली। आपने कई बार इंस्टाग्राम्स में भी देखा है, इंस्टाग्राम स्टोरी में, जैसे आशिका भाटिया हो गया, मंजूल हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी उन्हें वो प्रमोशंस करते हैं, वो पेड प्रमोशन होती है। और हाँ, रियलिटी बताने जा रहा हूँ गाइस, लोग 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं एक एक स्टोरी अपलोड करने को। और आपने भुवन बाम को भी देखा है, लोग जितने ज़्यादा फेमस होते हैं, आज के दौर में क्या है, लोग ऑनलाइन हो गए, सारा इंटरनेट मतलब ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन ही चले गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि लोग फेमस होने के कारण अपना मतलब अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, ऑफलाइन अर्निंग बहुत कम करते हैं लोग, पर ऑनलाइन जैसे कैरी मिनाटी हो गए, भुवन बाम हो गए, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स एज वेल एज जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं गाइस। वो हालांकि वो रिवील नहीं करते, उन्हें पेड प्रमोशन के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं बहुत सारे पेजेस से। तो आपको मैंने बता दिया कि टिकटॉक से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, वो कॉइन्स कैसे खरीदते हैं, और स्टिकर का क्या बेनिफिट है। अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेशन लगती है, लोगों को शेयर करो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि टिकटॉक से बंदे पैसे कमाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो वीडियो बन रही है HD क्वालिटी में, वो है टेक्नो बॉय अमन संधु के यूट्यूब चैनल से, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में डला ही होता है, आपको बिल्कुल लास्ट में लिंक मिल जाएगा टेक्नो बॉय अमन संधु में। तो अच्छी लगी वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।